तो हम कह रहे हैं कोट सुर समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम। यहां पर सौनक ऋषि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कथा में सुनाना, बोले तो, बोले कथा का सार सुनाना। क्यों कथा क्यों नहीं, कथा का सार क्यों? बोले रामायण कुछ अलग कह रही है, रामायण में एक बात आती है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता, कहई सुनई बहु विधि सब संता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान एक नहीं है अनंत है, हरि अनंत और बोले कथा, बोले अनंता वो भी अनंत है। बोले फिर अनंत कथा सुनाओगे तो कलयुग का जीव तो बिल्कुल भी ना सुने महाराज। एक बात बता मैं, एक संत दूसरे संत की कथा क्यों सुनता है जानते हो? मैंने ऐसा देखा है कई संत जो स्वयं जानते हैं फिर भी सुनते हैं। क्यों क्यों सुनते बताओ? वो अपने लिए नहीं सुनते। पर एक संत जब दूसरे संत से कुछ जानना चाहता है तो अपने लिए नहीं, वो जन कल्याण के लिए जानना चाहता है, जनमानस के लिए जानना चाहता है। बोले आप हमें कथा सुनाइए, सुनाइए। बोले कथा नहीं कथा का सार। बोले क्यों? बोले आने वाला समय कलयुग है महाराज, और कलयुग में जीवों के पास समय नहीं है। पहले कथा दो टाइम हुआ करती थी मालूम है आपको, है न जजमान के पास समय है न आचार्य जी के पास, शास्त्री कथा कहने वालों के पास समय। बोले तो, बोले महाराज एक टाइम ठीक नहीं रहेगा महाराज, एक टाइम ठीक रहे। अरे एक टाइम करवा या दो टाइम करवा, हमारा तो लिफाफो तैयार रख, हम तो एक टाइम का एक घंटा में कर जाएंगे। हैं? नहीं हमारा लिफाफो जितना तू नहीं नहीं आप जानते हो कि मुझे लिफाफा नहीं चाहिए, आप सब जानते हो। ये जो जितनी सिचुएशन हो रही है किसकी वजह से, कि समय नहीं है। कथा के साथ साथ हमें घर का काम भी देखना है, हमें अपना परिवार भी देखना है, हमें यह भी कर, मतलब समय का अभाव है महाराज। इसलिए एक ही समय में बहुत है, एक समय कथा सुनेंगे और एक समय अपने काम का कारोबार भी कर लेंगे। बोले तो महाराज कथा का सार ही सुना दो। अब कथा सुनाओगे तो भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है, एक कथा को पूरी करने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगी। जब कथा का सार 7 दिन में पूरा हुआ, समझिए, जब कथा का सार 7 दिन में पूरा हुआ, अगर पूरी कथाएं होती तो 7 साल तो चाहिए ना, नहीं चाहिए? 7 छोड़ो 1 साल चाहिए, मत लो 1 साल, 6 महीना तो चाहिए, मत लो 1 महीना तो चाहिए। अब 1 महीना मुझे ऐसा श्रोता बताओ जो कंटिन्यूस बैठा रहे हैं, महाराज कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और अगर भागवत कथा 1 महीने की होती तो आज जितने पंडालों में इतनी भीड़ आ रही है ना, मुझे लगता है कि हरि अनंत हरि कथा ही अनंता, एक कथा कहने वाला और दूसरा सुनेगा एक भगवंता, कोई श्रोता नहीं सुने महाराज, मात्र भगवंता, भगवान को ही सुननी पड़ेगी अपनी कथा। 1 महीना किस पे महाराज हमारे पास, आप ही कह लो आप ही सुन लो। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए बोले कलयुग के लोगों पे समय नहीं है महाराज, वो जीव माया में अधिक विलीन है, माया में खोया हुआ है। इसलिए महाराज आपसे विशेष निवेदन है, पूरी कथा मत सुनाइए, कथा का सार, कथा सारम मम कर्ण
रसायनम। मेरे कर्णों को कथा का सार सुना दीजिए, आनंद आ जाएगा महाराज। बोले ठीक है, कथा का सार सुनना है? बोले हाँ सुनो। बोले तो मैं भागवत कथा सुनाता हूँ, ये 24 अवतारों का सार है। कोई भी पुराण उठा लीजिए, अधिकांश सभी अवतारों का वर्णन नहीं, लेकिन भागवत में सभी अवतारों का वर्णन है, जो हो गया उनका भी और जो नहीं हुआ उनका भी। अभी कल की भगवान का प्रादुर्भाव कलयुग में होना है, लेकिन उसका भी वर्णन है। ये कथा का सार है। बोले सार से क्या होगा? बोले जब जीवन में सार आएगा तो तेरे जीवन में भवसागर से पार होने का अवसर भी आएगा। लेकिन जीवन में सार उतारना तो पड़ेगा ना, बिना उतारे कल्याण नहीं, उतार जीवन में। तो इसलिए कथा सार। बोले एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़े। और वृंदावन तो गए ही होगे आप। हा हा हा, वृंदावन प्रेम भूमि है। कैसी भूमि है? जोर से बोलिए। गए हो? मैंने क्या कहा था? हरिद्वार हरि का भवन है और वृंदावन हरि का। अब वृंदावन में अगर पहुंच के, आह मेरे प्यारे, तो क्या करना पड़ेगा वहां जाके? जब वृंदावन जाना हो तो कुछ गाना पड़ता है, क्योंकि ब्रजवासी बिना गाए तो रहते नहीं। भक्ति दो ही काम बहुत अच्छा करा लेती है, एक तो गाना बहुत अच्छा करा लेती है, एक रोना भी बहुत अच्छा करा लेती है। और इन दोनों कामों से अगर फुर्सत मिले तो बीच में नाचना भी अच्छा करा लेती है। भक्ति के तीन रंग हैं, तीन स्वरूप हैं। अगर आप कन्हैया के लिए गाने लगो तो समझना भक्ति हो गई स्वरूप। अगर आप कन्हैया के लिए रोने लगो तो समझ नहीं, अगर कन्हैया के लिए नाचने लगो तो समझना भक्ति थोड़ा और आगे बढ़ गई। और जब कन्हैया के लिए अकेले में बैठ के रोने लगो तो समझना अब तेरी भक्ति चरम पर पहुंच गई है। नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नवयौवना स्त्री जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, उन वृद्ध पुरुषों को देखकर वो नवयौवना स्त्री रो रही है। और उस रोती हुई स्त्री को देखकर, नवयौवना को देखकर नारद जी के मन में दया के भाव उत्पन्न हुए। संत किसको कहते हैं जानते हो? जो किसी के आंसू को देखकर दयावान हो जाए, जो किसी का आंसू देख ना सके उसको संत कहते हैं। जो किसी के आंसू को पहुंचने की कोशिश करे वो संत है, और जो किसी को आंसू दे दे उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बोलो राधे राधे राधे। जीवन में कोशिश करिए किसी को आंसू मत देना, हो सके तो किसी के आंसू ले लेना, क्योंकि लेना बड़ा काम है आंसू, देना बड़ा काम नहीं है। संत वही है जो किसी के आंसू को ले लेता, अपना बना लेता है। देखा रो रहे हैं एक नवयौवना को तो मन में भाव हुआ कि चलो पता तो करूं क्यों रोती है। लेकिन दूसरे क्षण याद आया, ना ये सब स्त्रियां ही बैठी हैं और मैं अकेला पुरुष जाऊंगा तो अच्छा नहीं। जब स्त्रियां बहुत हो ना तो अकेले पुरुष को नहीं जाना चाहिए। नहीं, अरे भाई कई समस्याएं आ जाती हैं, बाद में बताऊंगा कथा के बाद आना। हाँ बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसी जगह से बच के जाओ तो ज्यादा बढ़िया। मैं जो सुन रही हूं उन देवियों से नहीं कह रहा हूं, जो नहीं सुन रही हूं उनसे कह रहा हूं। इनका पता नहीं चलता ये कब रो दें और कब हंस दें। एक मिनट पहले जो रो रही थी दूसरे मिनट पहले बड़ा, अरे अभी तो अब क्यों बोली, बात ही ऐसी हो गई, हंसी आ गई। हो जाता है कभी कभी, चक्कर पड़ जाता। बोलो राधे राधे। वैसे भी क्षणे रुष्टाक्षणे पुष्टा रुष्टा पुष्टाक्षणे क्षणे हे लक्ष्मी देवी नमस्तुभ्यम। नमस्कार कर रहा हूं। खैर छोड़े, तो बोले ऐसे जाना ठीक नहीं, ये सब स्त्रियां हैं। संत जी जाने लगे, नारद बाबा जाने लगे, और जैसे ही वो जा रहे थे आवाज आई उस स्त्री की तरफ से, आवाज लगाई, भो भो साधु क्षण तिष्ठ म चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य स
सर्वथा गहरम परम। तिष्ठति नाम साधो, ठहरिए बाबा, मां चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता को जरा दूर करते जाइए, नाश कर दीजिए उसका। एक बात कहना चाहूंगा, जरूर हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, और हरिद्वार में तो इसलिए विशेष कहना है क्योंकि हरिद्वार में भगवान के प्रिय संत बहुत हैं, भगवान को संत बहुत प्रिय हैं। अपनी लक्ष्मी से कहते हैं, अरे देवी मोय संत लगे अति प्यारे, मुझे संत बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। तो यहां संत बहुत हैं, इसलिए भी बहुत वजन दे के कहना चाहूंगा मैं कि जब भी जीवन में तुम दुखी हो ना, जब दुनिया के सताए हो, दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आवे, दुनिया तुम्हें कूट कूट के सतावे, तब तुम दुनिया से अपने आंसू पहुंचने की उम्मीद मत रखना। ऐसी स्थिति में जब परेशान होने लगो, अश्रुपात हो तुम्हारे नैनों से, दुनिया के पास मत जाना, इस स्थिति में किसी संत के पास पहुंच जाना, तेरे जीवन के सारे आंसू संत अपने आप पी जाएंगे। अगस्त ऋषि समुद्र का पान करते हैं और प्रत्येक संत तेरे जीवन के आंसुओं का पान करते हैं। म चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन मात्र से जीव, जो दुखी जीव हैं, अगर संत का दर्शन भी कर ले तो संतों का दर्शन मात्र जीव के दुखों को समाप्त कर देता है और जीवन में सुख की धारा को उत्पन्न कर देता। इसलिए संत, अब एक और बात कह दूं, बहुत से इतने अच्छे हैं कि अपना सर संतों के चरणों में झुकाते नहीं, उनको एक ही डर लगा रहता है, अगर संतों के चरणों में सर झुका दिया तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, है देनी पड़ेगी, इसलिए दूर से ही नमस्कार अच्छा है। और कभी कभी जब आ भी जाते हैं ना, तो पहले डिसाइड कर लेते, महाराज लिफाफा कितना बड़ा देना है वो बता दो, बाद में ही आएंगे। अरे भाई लिफाफा तो तेरे अपने ऊपर है, तेरा दिल बड़ा है तो लिफाफा बड़ा है, और तेरा दिल जैसा है लिफाफा वैसा बना दे। पंडित जी तो बड़े को भी पाकर खुश नहीं होंगे, और पंडित जी को प्यार से अगर छोटा भी दे देगा तो पंडित हो न हो मेरा कन्हैया तो हो ही जाएगा, मेरा कन्हैया तुझ पे प्रसन्न हो जाएगा, पक्की बात है। इसलिए मेरे कन्हैया को प्रसन्न करने की कोशिश कर, और कन्हैया खुश हो गए तो आनंद आ जाएगा। तो जब भी जीवन में दुखी हो तो संत से जरूर मिलना, तेरे जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे।